रागनी कंपटीशन पानीपत 13-8-2023। बोले देख लिया तेरी नगरी के मान्या भगवान नहीं है, मरे हुए पद की गेरन जीवते की शान नहीं है। जीते जी अपने बुजुर्ग की कोई बिरला सेवा करे से, बेटे पोते धन माया किसे लागी लार फिरे से। न्यू कंगे मारा बूढ़ा ना मरता है, देश के बाप मरे हैं और अपनी मान बढ़ाई ने मरते काज का जन धरे हैं। इतना धन खर्च मरे हुए बजी का को अनुमान नहीं है, फिर बुढ़ेगा देशी घी का काज करे है 40 ग्राम मांगा। अरे न्यू कहे 40 पीपे ला दिए देशी घी के, मार आम घोर जिंदे ने 4 पीपे खवाए दे मरण की इंटाल दी। इमरे पास ये बुछवाए हैं लाडू गम्मा गम। तो हृदय से खुशी है इस बात की, आज छपरा गांव में आम जीवन ये घटनाक्रम घटता है तो ये साधारण लगता है, पर आज आप एक इतिहास के साक्षी हो, आज आप एक ऐतिहासिक पल के साक्षी हो, जब एक नई शुरुआत के पुत्र ने अपने पिता का जन्मदिन मनाया। भगवान ये संस्कार हमारे सनातन का सारे समाज में फैल जाए, हमारी तो भगवान से यही दुआ है। और कोई विशेष गाने बजाने वाले नहीं है, छोटा सा भजन सत्संग का शौक है। वैसा आपकी सेवा या दे थे पाछे का ये तो खेल है, दे किससे मिली उसने तो भूल गया, और नए नए सोचा मजा बढ़िया। परमात्मा निराकार है, और अगर परमात्मा का भगवान का कोई साकार रूप है तो प्रथम रूप है माता पिता का, जिसने हमारे को जन्म दिया है, जिसने हमारे को इस दुनिया में दे दी है। रल्लो गो मात पिता का, जिंदगी भर पी कर्ज नहीं, उतरे कर्ज नहीं, बैंक वाला लोन तो सही को 3 साल लोन भरना से फिर कर्जा उतर जाएगा, ये ऐसा कर्ज है। अरे मात पिता का जिंदगी भर भी, पिता का जिंदगी भर भी उतरे कर्ज नहीं, उतरे कर्ज नहीं। अरे इनकी सेवा एक कर्तव्य है, केवल फर्ज नहीं, जिंदगी भर भी उतरे कर्ज नहीं, इनकी सेवा एक कर्तव्य है ये केवल फर्ज नहीं। एक नाम नहीं लिखे हैं, प्रीति भोज, शेणे शेणे मानसा सत्संग है मड़े चेतन है रही हो। एक शब्द लिखे प्रीति भोज, इसका अर्थ है ये व्यर्थ में नहीं है। एक वह भोज, एक वह प्रीति भोज। भोज मिले से होटल पे, वो भोज से जो होटल पे मिले से पीछा मिले है उसमें प्रीति नहीं है। एक घर माँ बनाओ है नहीं भोज, उसमें प्रीति घुड़ी हुई होती है। आर्यो पक्का है जरा प्रेम बनेगा उड़ा भोज जरूर बनेगा, प्यार प्रेम होगा भोज बिना डटे नहीं मानस। देख प्यारा मानस बाजार में मिल जाएगा जी, बिना आजा जूस पीवांगे, आजा चाह पीवांगे। प्रेम जहां होगा उड़ा भोज जरूर होगा। यो केक काटा था अंग्रेजांगा सह, वैसे तो रिवाज, पर यो केक काटा ही था प्रीति भोज। ई मांग मड़ी मड़ी आंगली का करीम लावा थे अंकल ने, खमावा थे इस तक अंकल का पेट भरे है।
ये भोज तो नहीं है, पर इस भोज में प्रीति घुली है, इसमें प्रीति खाई जाती है, प्रीति भोगी जाती है। ये एक एक आंगड़ी सब तो चटा है, ये प्रीति भोज है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो। पहली गली आज का कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे आर के दैया रागनी चैनल राकेश भाई 500 रुपए से भजन पर खुश होकर मान सम्मान उपलब्ध जारी करते हैं। बार बार धन्यवाद। सरपंच राजेंद्र जी मोवाणा गांव से, सरपंच साहब 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बार बार प्रणाम धन्यवाद धन्यवाद। सम्मानित श्री सोनू सरपंच साहब ठसका गांव के रहने वाले 500 रुपए का इनाम देते हैं सरपंच साहब को, हृदय से धन्यवाद धन्यवाद। आशु वशिष्ठ साहब कथुरा से शर्मा जी 500 रुपए का पुरस्कार इनाम देते हैं। बार बार धन्यवाद है धन्यवाद। पहली गली और न्यू भी नहीं हो सकती मेरे एक भाई, इस गांव में रवि तो बाद पीछे वाले भी होंगे, ऐसी बात नहीं है। अगर रवि सब भाई हाथ फेर रहा है, इस तो बाद पीछे वाले भी होंगे, बराबर के टक्कर के भी होंगे, पर यो गुण सब मगोनिया न्यू करना सब न ना आवे, एक आध हो सकोए आते है। तीन तीन कैमरे लाग रहे भी और रिकॉर्ड हो जाएगा यूट्यूब पर सारी दुनिया में, कल की न्यू मारेंगे अब रोक रोक ले जाएंगे रिकॉर्ड कर करे सारी दुनिया में। बस छपरा गांव में रवि नाम का को छोरा जो अपने बापू का जन्मदिन मना है। ते पहली गलीम कैसे ओए धन दौलत महल हवेली ना भला जदाद करे, धन दौलत सब ते ज्यादा काम बढ़िया का आशीर्वाद करे, ओए पहल मत सोचे कोन्या पछे याद करे, माता पिता का नाम अमर कोई नेक औलाद करे, निस्वार्थ भाव से सेवा करते की परंपराएं बनाना अपने हाथ में है। कदे किसी का बहम हो किसा बना लो अपने घर का परंपरा रिवाज, जिसे बैठक में ताश खेल ले जा है, जिसका घर आए दारू पी जा वो न्यू ला लो, वो परंपरा देने लग रहा है अपने आने वाली पीढ़ी को। आने वाली पीढ़ी न्यू देखा जाए भाई साल में दारू पी जा कर घर आए जुआ खेलिया जा कर न्यू ला लो, वो अगली पीढ़ी को संस्कार देव। आज रवि भाई ने संस्कार दे दिया, इसके बालक देखेंगे उनमें संस्कार बनेगा, आने वाली पीढ़ी रवि का भी मना देगी।
एज यू गिव एज यू टेक्स, जो आप प्रकृति को दोगे प्रकृति आपको लौट आके वही देती है। किसी परंपरा बना ले मानस का आत्मा है के कैसे इनके कारण कितनी प्यारी मानव देखाई, इनके कारण मानव देखाई। भगवान ने सृष्टि को रचा जब 84 लाख तरह के डिब्बे बनाए, जिसने हम 84 लाख योनि का न्यू ला लो, 84 लाख तरह के डिब्बे बना दिए जीव को रोकने के लिए। जीव का कर्मा के अनुसार यो डिब्बा थे रहा है इसमें जीव से। और मैंने को 84 लाख योनिया में जब आदमी की योनि मिले है या योनि भी नहीं है, ये अवसर है, ये मौका है। 84 लाख की चेन चलती है, मानव का जब नंबर आता है तो इसमें 2 दरवाजे हैं और सब में 1 दरवाजा है, वो और सारी भोग योनि है। इसमें 2 दरवाजे हैं, या तो अपने कर्म बंधन को जीव काट दे और मोक्ष की तरफ चले आ जाए, इस 84 की चैन को तोड़ दे, परमात्मा महात्मा मिल जाए, दोबारा जन्म लेने का कोई कारण ना रहे। अरे या इसे कर्म कर ले 2,84,00,000 में कूद गया, ये केवल ये मौका है, मर्जी तेरी है। वे इनके कारण कितनी प्यारी मानव देखाई, इनके कारण कितनी प्यारी मानव देखाई। और इसके दम पे मिल सकती है मोक्ष की राई, इस कलयुग में पैदा होगे पापी अन्यायी। न्यू ना सोच मां बापा ने के आफत ठाई, इसे ईशा का नाम जगत में, इसे ईशा का नाम जगत में पावे दर्ज नहीं, पावे दर्ज नहीं। देवी जी, बुआ जी, रवि भाई इनकी बुआ जी, बुआ जी 500 रुपए से आशीर्वाद देती हूँ, मेरा बार बार प्रणाम। तीसरी कली में आ गया माँ का जिक्र, हूँ बजनी सांगी अपने चमोले है बना के भी सुना के ना, पर होते हैं वे संसार को समझाने के लिए। बोला एक माँ का हृदय कैसा होता है, बोला एक दुष्ट ने किसी लड़की से प्रेम हो गया, एक कहानी सी सुना रहे समझाने खातिर। प्रेम हो गया, वह प्रेमिका से जब उसने जी हार किया तो वह बोली मैं भी प्रेम करूं, पर मेरी एक शर्त है। क्या है? कि तेरी माँ का कर्जा काट के मन लिया दे, जब मैं तेरे तो प्रेम करूंगा। इश्क अंधा होता है सजनों, न्यू कहे सुती माँ का कर्जा काट ले गया, सुती का काट लिया। अरे हाथ मन धरे जा, अरे प्रेमिका के सामने खड़ा हो गया, न्यू बोला ले प्रेमी के ऊपर प्रत्युत्तर चाहिए, मैं तेरे से प्रेम करता हूँ, तेरे प्रेम का मैं अपने प्रेम का मैं प्रत्युत्तर चाहता हूँ, ले जो मेरी माँ का कर्जा है। वहां हंसण लगी, नहीं बोली बेवकूफ समझता है, जो अपनी सामने वाली माँ का ना हो मेरा क्या होगा। न्यू कहते न्यू कहे उसका झटका हला गया, वो कर्जा आत्मा का पड़ गया, एक माँ का कर्जा था। ये बजनी सांगी न्यू कहे आत्मा का पड़े और माँ का कर्जा भी बोल पड़ा, नहीं बोली रे बेटा की तो चोट तो नहीं आई, ईसा हो सब माँ का अर्थ है के कैसे दादा। तीसरी गली में जय हो, अरे सारे हो
नाराज अलग सहे दुनिया सारी हो, सारी हो नाराज हो दुनिया सारी हो। कदे अजमा के ने देख लियो माना न्यारी हो, अजमा के ने देख लियो माना न्यारी हो। बुढ़िया का छोरा था बोलू बोलू लाग गया भोज में, रांड लुगाई थी एक छोरा छोरा था फौज में भर्ती हो गया, चार भैंस बांध रही बढ़िया अपना राम के नाम ले और दूध का डर की जोड़ ले, फौजी छुट फौजी फौज में लग गया होगा छोरा, फौजी छुट्टी आवे मान तनखा दे जा वो घी ले जा आनंद से टाइम कट रहा। नाम बोलू पलवान था ठंडा था, अरे चीन की और भारत की लड़ाई छिड़की हर बुढ़िया धार का जनजा मलंग राम बीड़ी पियो दुकान पर निवले ताई राम राम निवली राम राम भाई ताई अपना भाई बोलू की ड्यूटी कड़ा है निवली भाई पाछा आज बॉर्डर पर बताओ था। ए ताई बॉर्डर पर है के बात भाई, ए ताई बोला बॉर्डर पर तो लड़ाई छिड़की किसकी, बोला चीन की रपनी। बुढ़िया तो एक डंग साली फिर बाल्टी धर के खड़ी होगी, निवली भाई किस गए चीन की रपनी लड़ाई रोड़ा हो गया ताई उड़े तो रोड़ा छिड़ गया। निवली देख भाई छोरे सुन ले बात, मन तो बेरा नहीं था पर अपने चीन ने मना लियो मारा बोलू छिड़ गया तो मन नहीं मूल चम्मा कर लियो तो डटेगा नहीं या से माँ न्यू कैसे चीन ने डांट लियो बोलू नहीं डटेगा। कदे अजमा के न देख लियो माना न्यारी हो, अरे अजमा के न देख लियो माना न्यारी हो। जितना प्यारा बेटा रे बेटी उतनी प्यारी हो, समझनिया न जननी माँ पृथ्वी ते भारी हो, अरे नबसे बड़ा पिता मैं कह दे भाई। मानस की अपनी अपनी प्रवृत्ति है, कोई सोमा गए अठानवे काम ठीक हो रहे होंगे नहीं, असली जो आराम होगा जो दो काम बड़े बोधे हो रहे होंगे इन्हों नतड़े ठा देगा उन दो ना रोवागा उन अठानवे जो ठीक हो रहे हैं उनका जिक्र भी नहीं करे। दिवाली आओ सो दिन के न्यारा सूरज लकड़े से एक संक्रांत न्यारा लकड़े से तीज ने मरा मन मान जा आज त्योहार से तो यो मन तो जो एक दिन मानना है रोज भी मान सके मन नहीं तो मानना है। आज बता के संक्रांत से तीस रवि ने मान लिया आज त्योहार शहर अपने बापू का जन्मदम धूम धड़ाके तो मना दिया। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय हो, बना दिया त्योहार मानस के हाथ में हो है। अरे धन दौलत धन दौलत तो फेर कमा ले बात नहीं थ्यावे, धन दौलत तो बात नहीं थ्यावे। अरे जैसा कर्म करे से बंदा वैसा फल पावे, ओ मात पिता बेटा बेटी का बुरा नहीं चाहे, जग
जगन्नाथ तसारी आना इनका यस गावे गाना नहीं सुहावे जब तक नहीं सुहावे मिठी तरज नहीं